ज्वालामुखी बस स्टैंड में पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एक दुकान पर छापा मारा तो ज्वालामुखी बस स्टैंड में एक दुकान में 6.32 ग्राम और ग्राउंड फ्लोर पर बस स्टैंड में उसी के खड़े स्कूटर से 510 ग्राम चरस बरामद की। दुकान मालिक अशोक कुमार लवली जो ज्वालामुखी वार्ड नंबर 1 का रहने वाला है, पुलिस ने उसको मौके पर हिरासत में लिया। ज्वालामुखी बस स्टैंड पर पुलिस को मिली सूचना के आधार पर एक दुकान पर छापामारी की गई तो ज्वालामुखी बस स्टैंड में दुकान से 6.32 ग्राम और ग्राउंड फ्लोर पर बस स्टैंड में उसी के खड़े स्कूटर से 510 ग्राम चरस बरामद की गई। दुकान मालिक अशोक कुमार लवली जो ज्वालामुखी वार्ड नंबर 1 का रहने वाला है, उसे मौके पर हिरासत में लिया गया। डीएसपी तिलकराज ने बताया कि टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर ज्वालामुखी बस स्टैंड में एक दुकान पर छापा मारा और दुकान से 6.32 ग्राम चरस और ग्राउंड फ्लोर से उसी के स्कूटर में 510 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस आगामी कार्रवाई अमल में ला रही है। उन्होंने बताया कि इसके खिलाफ पहले भी 2 मुकदमे एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। आज दिन में अभी थोड़ी देर पहले एएसआई दुनीचंद जो आईयू पुलिस स्टेशन ज्वालामुखी हैं, उन्होंने अपनी टीम के साथ गश्त पर थे, उनको गुप्त सूचना मिली कि अशोक कुमार जो वार्ड नंबर 1 का रहने वाला है, उसकी दुकान जो बस स्टैंड में है, ज्वालामुखी बस स्टैंड में अपनी दुकान पर चरस बेचने का धंधा करता है। इस सूचना पर उन्होंने उसकी दुकान पर रेड की, दुकान से 6.32 ग्राम चरस बरामद हुई और उसके साथ ही उस बस स्टैंड के ग्राउंड फ्लोर पे उसका स्कूटर खड़ा था, स्कूटर की डिक्की में से ही 510 ग्राम जो है चरस बरामद हुई है। अशोक कुमार पता चला है, अशोक कुमार के खिलाफ पहले भी 2 मुकदमे जो एनडीपीएस के दर्ज हैं।